जेलर पर ओलाल दिल्लीर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 152 दिनर अंतत जमीन लाभ करिले। मुख्यमंत्रीगराके सर्वोच्च न्यायालये जमीन दिले केजरीवालक। यार पाछते दिल्लीर राजपथत देखा गल आबतरिया दीपावली। केजरीवालक केबाटाओ शर्त दिसे अवश्य उच्चतम न्यायालये। बाकी केजरीवालर एकल समर्थक आम आदमी पार्टीर सदस्य तेलुके व्यापक उत्साह उद्दीपनारे दिल्लीत सबदल बाहिर करे। आज देश के अंदर इलेक्शन कमीशन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। ईडी पे कब्जा किया जा रहा है, सीबीआई पे कब्जा किया जा रहा है। देश को अंदर से कमजोर करने की कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें कोशिश कर रही हैं। हमें इसका मुकाबला करना है दोस्तों। मेरा कसूर ये नहीं है कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया था। 152 দিনৰ অন্তত জামিন লাভ কৰাৰ পাছতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ সমৰ্থকসকলে নাচি বাগি আনন্দ উল্লাসত অংশ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আপতৰীয়া উৎসৱ তেওঁলোকে পাতিলে। হাৰিয়ানা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি এতিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে। আম আদমি পাৰ্টিৰ বাবে দিল্লী নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো ৪ মাহ। কেজৰিৱালৰ জামিনে আপৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত পেলাব বিশেষ প্ৰভাৱ। 152 দিনৰ অন্তত জামিন লাভ কেজৰিৱালৰ। সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে জামিন মঞ্জুৰ কৰিলে কেজৰিৱালৰ। তাৰ পাছতে নাচি বাগি এইদৰে আপ কৰ্মীয়ে দিল্লীৰ ৰাজপথত সৃষ্টি কৰিলে আবতৰীয়া উৎসৱৰ। কেজৰিৱালৰ জামিন লাভৰ পাছতে আপ নেতাই কৰিলে এই মন্তব্য। ईश्वर ठियो दिसे केजरीवाल पक्षत। हमारे सबके लिए बहुत भावुक पल है। हमारे बड़े भाई, हमारे मित्र, हमारे गुरु केजरीवाल जी, जिनको इस तरह से अंदर डाला गया जेल में, सबके लिए बहुत दुखद क्षण था। एक एक कार्यकर्ता के लिए बहुत दुखद क्षण था। लोग रोए हैं उनके लिए, इस बात के लिए लोग रोए हैं। लोगों ने प्रार्थनाएं की हैं, लोगों ने दुआएं की हैं। उनकी आज दुआएं सफल हुई हैं। मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं ईश्वर को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारी सुनी। दिल्लीर आबकारी नीति केलेंकारीर अभियोगत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालक 21 मार्चत ईडिए ग्रेप्तार करिसिल। केजरीवालर पूर्वते मनीष सिसोदिया करिसिल ग्रेप्तार। पिसे क्रमश इजনৰ পিছত ইজন নেতা আহিল মুকলি আকাশৰ তললৈ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সিবিআইয়ে কৰা গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰসংগটো অৱতাৰণা কৰিছে অনেক প্ৰশ্ন। ইডি গোচৰত জামিন লাভৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা থকাৰ সময়তে সিবিআইয়ে গ্রেপ্তার করার ঘটনাত রহস্য আছে। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের জামিন মঞ্জুরের পিছতে সৃষ্টি হয়েছে মিশ্রিত প্রতিক্রিয়ার। বিজেপি নেতার স্পষ্ট মন্তব্য, জেল মুখ্যমন্ত্রী এইবার হল বেল মুখ্যমন্ত্রী। ये जो आदेश पारित हुआ है, भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है। जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। तार पासते कथार कटाकटी शासक पक्ष विरोधी पक्ष कि क्यों मुख्यमंत्री के ऊपर ये कंडीशंस लगाई गई हैं कि वो सचिवालय नहीं जा सकते, फाइलें साइन नहीं कर सकते, मेरी समझ के बाहर है। मगर क्योंकि दूसरी बेंच ने ये कंडीशंस लगाई हैं, इसलिए इसके ऊपर हम ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की आज का ये जो फैसला है, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार के अंदर आज अगर थोड़ी सी भी गैरत हो तो केंद्र सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जो अरविंद केजरीवाल राजनीति में आकर कहते थे कि अगर किसी नेता पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा दे दे, आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं और तब भी 6 महीने तक किसी संवैधानिक पद पे कोई व्यक्ति बैठा हो, उसके लिए तो एक दिन अगर वो जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। इस्तीफा दे देना चाहिए। यहां 6 महीने तक जेल में रहकर आए और आज कंडीशनल बेल मिलने पर भी इस्तीफा नहीं दिया है। तिहाड़ कारागार बंदी हो थका केजरीवालर पक्षत न्यायाधीश सूर्यकांत और उज्ज्वल भूयाक लै गठित विचारपीठे यह राय घोषणा करिसे। केबाटाओ शर्त बांधि दिसे उच्चतम न्यायालये। सरकारी फाइलत स्वाक्षर करिब नोवारिब केजरीवाले। गुसर सम्पर्कत দিব नोवारिब कोनो मन्तव्य। ইডি আৰু সিবিআইৰ ওপৰতো ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিলে কেজরিवाলৰ অধিবক্তাই। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जो है बाइज्जत बरी किया जाए और जो है बेल ग्रांट कर दिया। दो जजेस की बेंच ने जो इलीगल अरेस्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक बेंच ने ये कहा कि जो है वो अरेस्ट लीगल था, लेकिन दूसरे बेंच ने सेम टाइम में कहा कि जिस तरीके से सीबीआई ने अरेस्ट किया है वो गलत है। लेकिन जहां तक बेल का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है। दिल्लीर मुख्यमंत्री केजरीवाले उच्चतम न्यायालयर परा जामिन लाभ करार दिनटुक एक अति गुरुत्वपूर्ण समय हिसाबे गण्य करिब पारि। कियनो हरियाणा विधानसभा निर्वाचনৰ বাবে मूल पर्याय प्रचार 13 सेप्टेम्बৰৰ পৰা आरम्भ হ'ব। इतिमध्ये मनोनयन दाखिल प्रक्रिया 12 तारिखे অন্ত কৰিছে। আপে হৰিয়ানাৰ 90খন আসনতে প্ৰক্ষেপ কৰিছে প্ৰাৰ্থী। किन्तु अरविंद केजरीवाल अबिहने प्रार्थी सकলৰ বাবে शक्तिशाली प्रचारৰ सम्भावना हीन जेन अनुभव হৈছে। आनहाते दिल्लीत राष्ट्रपति शासনৰ गुजब उठी থকাৰ মাজতে मुख्यमंत्री केजरीवाल कारागाৰৰ পৰা উৰাই অহাটো বিজেপিৰ বাবে এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে প্ৰমাণিত হ'ব পাৰে। ইফালে দিল্লীৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মাজত মাথো 4টা মাহ। एने परिस्थिति मुख्यमंत्री केजरीवाल मुकलिया काखर तलলৈ अहार लगे निर्वाचनी रणकौशলৰ সলনি হোৱাৰ আছে প্ৰবল সম্ভাৱনা। ট্ৰেডিং প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ সিবিআইলৈ হস্তান্তৰৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্যিক কেবিনেটত। আমি পৰৱৰ্তী সময়ত ধাৰাবাহিকভাৱে এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য সম্প্ৰচাৰ কৰি থাকিম। সময় হৈছে এতিয়াৰ বাতৰি পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।